हेलो फोर्थ क्लास स्टूडेंट, दिस इज योर SST सब्जेक्ट एंड थर्ड लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रेन्स के और रेलवे के बारे में पढ़ा था। और फर्स्ट ट्रेन आपकी कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई टू ठाणे। एंड कब चली थी? 1853 में। चलिए अब हम लोग आते हैं एयरवे पे, ठीक है। और एयरवे होता क्या है? जब हम बाई एयर वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जाते हैं, यानी हेलीकॉप्टर का यूज़ करके, जेट का यूज़ करके या फिर एरोप्लेन का यूज़ करके, तो उसे क्या बोलते हैं? एयरवे या एयर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो आपका एयर ट्रांसपोर्ट है, ये रोडवे से, वाटरवे से एंड रेलवे से सबसे ज़्यादा फास्ट चलने वाला आपका ट्रांसपोर्ट है, और ये सबसे महंगा भी है। यानी इसकी जो टिकट है वो रोडवे से या ट्रेन की टिकट से बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। क्यों महंगी होती हैं? क्योंकि इसमें जो फ्यूल का यूज होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, और इसको बनाने में जो मेटल का यूज किया जाता है वो भी बहुत ही महंगी होती है, और जो आपको यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो भी बहुत ही महंगी होती है। इसलिए यहाँ की जो टिकट है आपकी एयरवे की बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। चलिए, इट इज़ हेल्प्स टू कवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस इन शॉर्ट टाइम। और ये क्या करता है? ये हमारी हेल्प करता है जो बहुत ही थाउजेंड्स किलोमीटर में जो आपकी डिस्टेंस होती है उनको बहुत ही कम टाइम में कवर करने में आपकी मदद करता है। और ये 3 to 4 आवर में बहुत थाउजेंड्स किलोमीटर को कवर कर सकता है आराम से, जो आपकी रोडवे एंड रेलवे कवर नहीं कर सकती, ठीक है बेटा। और ये इतने फास्टेस्ट क्यों क्यों होते हैं? क्योंकि ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जब जाते हैं तो इनको ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ता है, और ये बहुत ही तेज चलते हैं। और ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जाने के लिए मूव करते हुए नहीं चलते, ये क्या करते हैं? जस्ट एक जगह से टेक ऑफ करते हैं एंड सेकेंड प्लेस पर ये लैंड कर जाते हैं। जबकि आपकी जो रोड्स होती हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जाने के लिए मूव होती हुई चलती हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा टाइम लगता है, और ये स्लो भी होती हैं। किससे? एयर ट्रांसपोर्ट से। चलिए, इट इज़ द ओनली मीन्स बाई विच वी कैन गेट टू प्लेस विच कैन नॉट बी रीच्ड बाई रोड एंड रेलवे और टेक्स वेरी लॉन्ग टू डू सो। क्या होता है? हम लोग एरोप्लेन से और हेलीकॉप्टर से, यानी एयर ट्रांसपोर्ट से उस प्लेस पे भी पहुंच सकते हैं जिससे रेल या रोडवे से पहुंचना पॉसिबल नहीं है। जैसे हिल स्टेशन, जो आपके माउंट होते हैं ना, है ना, माउंटेन होते हैं ना, उन पे जाने के लिए हम लोग ट्रेन का, बस का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हर माउंटेन पे आप रेलवे या रोडवे नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग किसका यूज करते हैं? हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं। हेलीकॉप्टर क्या करेगा? एक जगह से टेक ऑफ करेगा एंड वहाँ पर लैंड कर जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए चलिए अब आते हैं। एयरवे आर वेरी यूजफुल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लूड्स, ड्राउट्स, वार एंड अदर कैलमिटीज। चलिए, जो आपके एयरवे होते हैं ना वो बहुत ही यूजफुल होते हैं। कब? जब बाढ़ आती है कहीं पर, या सूखा पड़ता है, या युद्ध होता है। क्लाइमेटाइज मीन्स होती हैं आपदाएं, ठीक है, जो नेचुरल आपदाएं आती हैं ना, जैसे कि कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर तूफान आ गया, कहीं बहुत तेज हवाएं चलने लगी है ना, और लोग फंस जाते हैं वहाँ पर, तो उनको बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है? हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है। उन तक फूड पहुंचाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? हेलीकॉप्टर का। जैसे आपको याद होगा केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी और वहाँ पर इतने सारे लोग फंस गए थे जो वहाँ पर घूमने जाते थे, तो उनको फूड कैसे दिया गया था? हेलीकॉप्टर से पैकेट नीचे फेंके गए थे ना, ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता था और नीचे लोग फंसे होते थे, तो उनको फूड पैकेट फेंक फेंक कर वहाँ से दिए जाते थे, ठीक है ना बेटा। चलिए, ड्यूरिंग दिस टाइम फूड एंड अदर सप्लाइज कैन बी एयर ड्रॉप्ड टू रीच द इफेक्टिव पीपल क्विकली, ठीक है। क्या होता है? ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी जब या तो बाढ़ आती है या युद्ध हो रहा होता है कहीं पर, है ना, तो कुछ भी हो रहा होता है, तो ऐसे टाइम पर जब ह्यूमन वहाँ पर फंसे हुए होते हैं या उनको खाने पीने की नीड होती है, तो हम लोग वो कैसे पूरी करते हैं? वहाँ पर हेलीकॉप्टर का यूज करके हम उनको रेस्क्यू करते हैं, बचाते हैं, या उन तक उन चीज़ों को पहुँचाते हैं जो उन्हें नीड होती है उस जगह। चलिए,
हम लोग आते हैं, अवर गवर्नमेंट ऑन एन एयरलाइन इन द नेम ऑफ एयर इंडिया। हमारी गवर्नमेंट का खुद का एयरलाइन है, उसका नाम क्या है, एयर इंडिया। देयर आर मैनी प्राइवेट एयरलाइंस फंक्शनिंग इन इंडिया लाइक जेट एयरवे, इंडिगो एंड स्पाइस जेट। देखिए, टू टाइप ऑफ एयरलाइन होती है, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट वो एयरलाइन होती हैं जिनका कंट्रोल गवर्नमेंट्स के हाथों में होता है, ठीक है। जिसका पूरी व्यवस्था कौन देखता है, गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। और प्राइवेट कौन सी होते हैं, प्राइवेट वो होते हैं जिनका कंट्रोल प्राइवेट कंपनीज़ के पास में होता है, और जिनका पूरा जो फंक्शन प्रोग्राम होता है वो प्राइवेट कंपनीज़ के हाथों में होता है। और जो प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट एयरलाइन है उनका नाम क्या है, जेट एयरवे, इंडिगो एंड स्पाइस जेट। दीज एयरलाइंस लिंक ऑल द मेजर सिटीज़ इन इंडिया। और जो एयरलाइन है वो लिंक यानी जोड़ती हैं किनको, मेजर सिटीज़ इन इंडिया, ठीक है। मेजर सिटी यानी बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़, जो मेन सिटीज़ होती हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, है ना, इन सिटीज़ को जोड़ते हैं आपस में। द प्लेस फ्रॉम वेयर एरोप्लेन टेक ऑफ एंड लैंड ऑन इज़ कॉल्ड एयरपोर्ट, ठीक है। जब आपके जो एयरप्लेन होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, जो वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर जाते हैं, तो ये वन प्लेस से तो टेक ऑफ करते हैं, ठीक है, और सेकंड प्लेस पर लैंड करते हैं, तो ये वाली जगह और ये वाली यानी जहाँ से टेक ऑफ हो रहा है और जहाँ पर लैंड हो रहे हैं, तो इन प्लेस को क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। एरोप्लेन को लैंड करने के लिए और टेक ऑफ करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एयरपोर्ट की, ओके, एयरपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। चलिए, इन इंडिया द मेजर एयरपोर्ट, अब जो इंडिया के जो मेजर एयरपोर्ट है हम उनके नाम पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट दिल्ली, जो आपका दिल्ली में एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। अब आते हैं छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ है, मुंबई में। छत्रपति शिवाजी नेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, मुंबई में। अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, चेन्नई में, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ है, कोलकाता में, ओके, रिमेंबर इट। चलिए, अब आपको एयरवे आ गया ना समझ में, एयरवे कहाँ होता है, सॉरी एयरवे कैसा होता है, और ये एक्सपेंसिव क्यों होता है, और ये हमारी हेल्प कैसे करता है, है ना। अब वैसे ही आप लोग पढ़ेंगे वाटरवे, ठीक है। जब हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए वाटरवे का यूज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसे आप शिप का यूज करते हैं, बोट का यूज करते हैं, क्राफ्ट का यूज करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, और ये बोट कहाँ चलती है, वाटर में चलती है। शिप कहाँ चलते हैं, ओशियन वाटर में, वाटर में चलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलिए, इट इज़ बिलीव्ड दैट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट वर द फर्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये लोगों का विश्वास है कि जो ट्रांसपोर्ट का फर्स्ट मीन, जो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाता था, वो क्या था, वाटर ट्रांसपोर्ट था, ठीक है। पीपल हैव बीन यूजिंग राफ्ट, बोट एंड शिप ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सिंस एंशियंट टाइम। एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन बेटा, ओके, प्राचीन, जो आपका हिस्ट्री का जो टाइम था ना, प्राचीन समय था, उसमें हमारे पास हवाई जहाज नहीं होते थे, मोटर बाइक्स नहीं होती थी, तो हमें वन ज़्यादा दूर जाने के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए आप लोग वाटर वे का यूज यानी शिप का, बोट का यूज करते थे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं, इट इज स्टिल द चीपेस्ट वे टू ट्रेवल, पैसेंजर शिप कैरी पीपल वाइल बिग कार्गो, ठीक है। ये बहुत ही चीपेस्ट वे है, बट बेटा जैसे वाटर वे से जब हम लोग जाते हैं तो ये बहुत ही हमें सस्ता पड़ता है, और ट्रांसपोर्ट के बेस पे अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए जो आपका वाटर वे है वो बहुत ही चीप है। चीप मीन्स होता है सस्ता, ठीक है। लेकिन ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुँचाने के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, इसमें
टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और जो आपका प्राचीन समय था ना, प्राचीन मतलब जो आपका एंशियंट टाइम था, उसमें आपका ये वाटर वे ही यूज किया जाता था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास मोटर बाइक्स और एरोप्लेन नहीं थे। ओके चलिए। हाँ, कार्गो शिप्स आर यूज टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। टैंकर शिप आर यूज टू कैरी ऑयल एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है बेटा, इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं जो आपके शिप्स हैं ना, वो दो तरीके से काम करते हैं। एक तो पैसेंजर वाले शिप्स होते हैं, और दूसरे शिप्स कौन से होते हैं, जिसमें हम लोग सामान को लोड करके, जैसे टैंकर शिप होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, हम सामान को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ठीक है, जगह से मतलब है हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी सामान लेके जाते हैं, किससे, शिप से। जैसे हमें अदर कंट्री से पेट्रोलियम चाहिए, ठीक है, पेट्रोलियम चाहिए, हमें ऑयल चाहिए, या हमारी कंट्री से किसी को रॉ मटेरियल चाहिए, है ना, किसी को रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो क्या करेगा, आप वन कंट्री टू अनदर कंट्री थोड़ा सामान नहीं जाता, बहुत सारा अमाउंट में सामान जाता है, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बड़े शिप की यानी टैंकर शिप की। तो क्या होगा, यहाँ पर एक जगह से वो जो सामान है, रॉ मटेरियल है, उसको इसमें लोड किया जाएगा, और ये शिप दूसरी कंट्री जाकर उस सामान को अनलोड कर देगा। ठीक है चलिए। और ये जो शिप्स होते हैं, ये पैसेंजर को भी लेके जाते हैं, ये एक दो या सौ या थाउज 100 पीपल्स को लेके नहीं जाते हैं, ये बहुत सारे थाउजेंड्स लोगों को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर लेके जाते हैं। थाउजेंड का मतलब 500 लोगों तक लेके जा सकते हैं। ठीक है बेटा चलिए, मतलब मेरे कहने का मतलब ये बहुत ही बड़े बड़े शिप होते हैं जो वाटर में चलते हैं। चलिए अब आते हैं पोर्ट्स पे, है ना, देयर आर 13 मेजर एंड 187 माइनर पोर्ट इन इंडिया। आपकी इंडिया में 13 मेजर पोर्ट हैं और 187 स्मॉल पोर्ट हैं। सबसे पहले आप लोग पोर्ट का मतलब समझिए, जब आपका शिप आपका सामान लेकर आता है, तो वो कहीं ना कहीं तो आपके उस सामान को अनलोड करता होगा ना, जो इस सामान इसमें लोड है वो कहीं ना कहीं तो इसमें से उतारा जाएगा। तो जहाँ पर ये शिप रुकते हैं आके, जैसे कि आपका ये ओशियन है ना, आपकी कंट्री है, ये आपकी लैंड है और ये आपका ओशन है, तो शिप यहाँ से आएगा और यहाँ पर उस सामान को उतारेगा, तो इस जगह को क्या बोलेंगे, पोर्ट बोलेंगे। ठीक है, मतलब वो जगह जो हेल्प करती है शिप की सामान को लोड और अनलोड करने में, उसको क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा, और हमारे इंडिया में 13 मेजर पोर्ट हैं एंड 187 माइनर पोर्ट हैं। ठीक है, अब पोर्ट आपको समझ में आ गया होगा, और इस चैप्टर को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्वेश्चन आंसर की। ओके बेटा।